बरेली जिला अस्पताल में एक्सपायर दवाइयों का ढेर मिलने से हड़कंप मचा है। सीएमओ दफ्तर के कैंपस में एक्सपायर दवाई किसने रखी, इसे लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। आइब्रुफेन सिरप से लेकर कैल्शियम और आयरन गोलियों जैसी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली दवाई कैसे एक्सपायर हुई, इसे लेकर भी कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। मामला सामने आते ही प्रशासन ने जाँच बैठा दी है और अफसर उसे जल्द छानबीन पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ ने मामले में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर दवाओं का ब्यौरा मांगा है। कहा जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों से दवाइयों के मूल्य की रिकवरी की जाएगी। चलिए, मैंने दो तीन दिन पहले राउंड लिया था, जो कमरे बंद रहते हैं उनको मैंने खुलवाया था, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ दवाइयाँ मेडिकल मोबाइल यूनिट को जो दी गई थी, मैं घर घर गाँव बच्ची जो टीम घूम रही थी इनको हमारे अस्पताल से दवाई दी गई थी, तो कुछ दवाइयाँ वहाँ पर ऐसी मिली जो कि वो नहीं खर्च की गई और उनमें से कुछ दवाइयाँ एक्सपायर भी हो गई। बेसन ORS पाउडर थे, पैरासीटामोल सिरप था, आयरन के सिरप थे। मैंने ये कर रखा है, एक एडिशनल CMO को और एक जिला प्रशासन अधिकारी को एक टीम बना रखी है, उसका हम पूरा सूची बनवा रहे हैं कि वो कितनी दवाइयाँ हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और कितना उनका मूल्य है। उनके मूल्य की रिकवरी जो हमारे नोडल हैं उनसे मेडिकल मोबाइल यूनिट से उनसे हम उनके वेतन से रिकवरी करने के लिए लिख के शासन को देंगे, ताकि उनसे वेतन रिकवरी से उनकी मेडिसिन की कॉस्ट को किया जाए।